Exercise 1.1, question number first, state which of the following are statements. Justify in case of statement, state its a truth value. अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या करना है कि हमें ये चेक करना है कि हमारे पास जो सेंटेंस दिया हुआ है वो कौन सा स्टेटमेंट है और कौन से नहीं है। अगर वो स्टेटमेंट है तो हमें उसका ट्रूथ वैल्यू लिखना है यहाँ पे, ठीक है। जैसा कि हमें मालूम है कि देर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ओके, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड ओपन सेंटेंस, बराबर है। तो अब इस पांचों में से हमें ये भी मालूम है कि हमारे पास सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सेंटेंस है, कौन सा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जो हमें स्टेटमेंट देता है। बाकी ये चार क्या होते हैं, नॉट अ स्टेटमेंट होते हैं। और इसे किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सकता है ये हमने अपने पिछले वीडियो में देखा हुआ है, ठीक है। सो स्टार्ट विथ फर्स्ट वन ईयर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट देखिए यहाँ पे क्या बोलता है अपने को, 5 + 4 = 13। 5 + 4 = 13 यहाँ पे देखिए डिक्लेयर किया हुआ है कि 5 + 4 कितना होता है, 13, ऐसा वो बोल रहा है, जैसा कि हमें मालूम है। बट 5 + 4 = 13 नहीं होता, कितना होता है बच्चों यहाँ पे, 9 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, इट इज अ स्टेटमेंट बट व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू हियर, ट्रूथ वैल्यू क्या होगा इसका बच्चा, फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि ये बोल रहा है 5 + 4 = 13 एंड वी नो दैट व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस इज द 9, तो इसके हिसाब से क्या होगा, रॉन्ग हो गया, इसके यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा। सो आई विल से हियर व्हाट हियर, इट इज अ स्टेटमेंट hence truth value is capital F, which is a false, ठीक है। Next question number second, x - 3 = 14। अब x - 3 = 14, ये 14 कब होगा बच्चा, जब हमें x का value मालूम होगा। तो मतलब यहां पे हमारे पास x का condition नहीं मालूम है, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या है, इट्स अ ओपन सेंटेंस, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कंडीशनल हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, ये एक्स का वैल्यू हमें नहीं मालूम है, तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस हो गया। ये कंप्लीट कब होगा, जब हमें एक्स का वैल्यू मालूम होगा। सो विल से हियर व्हाट, इट इज एन ओपन सेंटेंस। देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट ही नहीं है तो इसका मैं ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकता है, ठीक है। हम ट्रूथ वैल्यू किसका फाइंड आउट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट का ही फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड वी नो व्हाट इज स्टेटमेंट हियर, जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, आइदर ट्रू और फॉल्स होगा। नाउ थर्ड, क्लोज द डोर। अब यहां पे क्या हो रहा है बच्चा, क्लोज द डोर, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे यहां पे, इट इज एन इंपरेटिव सेंटेंस। It is in what? Imperative sentence. So therefore, it is not a statement. It is not a statement. Clear? Now next. Fifth one here. Zero is a complex number. Zero is a complex number. ठीक है? It's a declarative. ऐसा बोल रहा है कि zero is a complex number. So it is a statement. It is a statement, ठीक है। बट इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, ट्रू या फॉल्स, बेटा ये ट्रू होगा। क्यों, क्योंकि देखो जीरो को हम 0 + 0i के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। एंड 0 + 0i इस फॉर्म क्या होता है बेटा, हमारा कॉम्प्लेक्स का फॉर्म होता है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं कि 0 भी हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो हेंस ट्रूथ वैल्यू इज व्हाट हियर, ट्रू, ट्रूथ वैल्यू is true. Fifth one, please get me a breakfast. अब यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, देखो please get me a breakfast. So what is this? This is about imperative sentence. It is an imperative sentence. So therefore, it is not a statement.
नॉट अ स्टेटमेंट. बराबर. नेक्स्ट, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर. ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर व्हाट? सिमिलर. सी क्या हो गया बच्चा अपना? डिक्लेयर हो रहा है यहाँ पे, तो इसे हम क्या बोलेंगे? डिक्लेयर टू सेंटेंस. और इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा बच्चा यहाँ पे? देखिए, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर व्हाट? सिमिलर. सो इट इज व्हाट? ट्रू. सो विल से हियर इट इज ए स्टेटमेंट, हेंस ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू. ठीक है, को हम यहां पर टी से दिखा सकते हैं. नेक्स्ट सेवेंथ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स. अब यहां पे देखिए, एक्स का वैल्यू हमें नहीं मालूम है. फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, सो इट इज व्हाट? ओपन. ठीक है, यहाँ पे क्या है? इनकम्प्लीट है. यहाँ पे अगर मुझे एक्स का वैल्यू मालूम होता तो फिर उसको मैं स्टेटमेंट बोल सकता था, बट वी हियर वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ एक्स हियर. तो ऐसे केस में जहां पे एक्स का वैल्यू अननोन होगा, वो हमारे लिए क्या होगा बच्चा? ओपन सेंटेंस होगा. सो आई विल से हियर इट इज एन ओपन सेंटेंस, देयरफॉर इट इज नॉट ए स्टेटमेंट. ठीक है, अब स्टेटमेंट नहीं है तो उसका हम ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट एट्थ वन, ईयर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन टू रूट्स. अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन टू रूट्स. जैसा कि हमें मालूम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है बच्चा? दो रूट्स होते हैं. ठीक है ना, आइदर इक्वल और अनइक्वल. बट यहां पे भी कैसा बोला? मोर देन टू रूट्स, कैन नॉट हैव मोर देन टू रूट्स. सो इट इज बट ऑब्वियसली क्या होगा? पॉसिबल है. ठीक है, सो अगेन व्हाट? दिस इज व्हाट? इट इज ए स्टेटमेंट, इट इज ए स्टेटमेंट, हेंस ट्रूथ वैल्यू इज टी. ठीक है, नाउ नाइन्थ, डू यू लाइक मैथमेटिक्स? देयर इज अ क्वेश्चन मार्क. सो अभी क्वेश्चन मार्क है, ये कौन सा हो जाएगा सेंटेंस यहां पे हमारे लिए? दिस इज व्हाट? इंटरोगेटिव सेंटेंस. इट इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है. सो दे हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, it is not a statement. First का 10th, the sun sets in the west. As we know that it is a true. ठीक है, so it is a statement. Hence truth value is true. So truth value is what here? True. Next 11, all real numbers are whole number. All real numbers are what here? Whole number. ठीक है, so again what? This is a statement. So it is a statement. ठीक है, hence truth value. Hence truth value is what here? False. Now 12, can you speak in Marathi? There is a question mark, so interrogative sentence. So this, it is not a statement, it is an interrogative sentence. Therefore, it is not a statement. ठीक है, next 13, x square minus 6x minus 7 equal to 0
व्हेन एक्स इक्वल टू 7। अब यहां पे देखिए बच्चों, हमारे पास एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अगर ये हमारे पास एक्स का वैल्यू नहीं दिया होता, सो इन दैट केस वी कैन से हियर व्हाट, इट इज एन ओपन सेंटेंस। बट इसके लिए हमारे पास एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये हमारा स्टेटमेंट होगा, बराबर है। अब ये स्टेटमेंट अगर है ट्रू है कि फॉल्स है, ये कैसे पता चलेगा आपको, जब एक्स का वैल्यू हम इसके लिए सेटिस्फाई करेगा तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। मीन्स अगर ये इसका रूट है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। नाउ लेट्स चेक आउट हियर, अभी 7 पुट करना है यहाँ पे, तो 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 6, 7 जा 42, 49 माइनस 42 इज व्हाट, 7, 7 माइनस 7 इज 0, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे स्टेटमेंट होने के साथ साथ में इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम बोल देंगे इट इज ए स्टेटमेंट therefore truth value is t, okay। now next 14th, the sum of cube root of unity is 0, the sum of cube root of unity is 0, again what, it is a statement, it is a statement, therefore truth value, now what is truth value here, ठीक है, the sum of cube root of unity is what, 0, as we know that in a complex number we have seen कि cube root of unity क्या होता है बच्चा, cube root of unity is 1 होता है, ठीक है, क्या होता है, cube root of unity यहाँ पे 1 होता है, but उसका sum क्या होता है, sum of cube root of unity is what, 0, this is what, true, like जैसे बोलते हैं, what is cube root of unity here, omega raised to 3 equal to 1, ठीक है, इसके हिसाब से कंडीशन क्या बोला था यहाँ पे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सो व्हाट इज दिस, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज व्हाट, 0, ये 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर क्या था हमारे पास, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी थे, 3 हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी थे, तो इसके हिसाब से इन तीनों का प्लस किया तो क्या होता था बच्चा, यहाँ पे 0 होता था, सो दिस इज व्हाट स्टेटमेंट, एंड ट्रूथ वैल्यू इज व्हाट हियर, ट्रू। नाउ नेक्स्ट 15th वन हियर, इट रेन्स हैवीली, अब यहाँ पे देखिए इट रेन्स हैवी बोला यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टेटमेंट है, सेंटेंस है, वो किससे स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, इट से स्टार्ट हो रहा है। जैसा कि हमें मालूम है कि अगर इट, ही और सी से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो कौन सा सेंटेंस होता है हमारे पास, ओपन सेंटेंस होता है, और ओपन सेंटेंस इज अ नॉट अ स्टेटमेंट, सो इट इज एन ओपन सेंटेंस, इट इज एन ओपन सेंटेंस, सो देयरफॉर it is not a statement, question number second, write the following compound statements symbolically, ठीक है, ये compound statement को हमें क्या करना है, symbolic form में लिख के दिखाना, this is what verbal form, हमें इसे symbolic form में लिख के दिखाना है, so what is first question here, Nagpur is in Maharashtra and Chennai is in Tamil Nadu, अब देखिए यहाँ पे दो सिंपल स्टेटमेंट को कौन ज्वाइन कर रहा है यहाँ पे, कौन कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे, एंड कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये हमारा क्या जगह कनेक्टिव हो जाएगा, तो विद द हेल्प ऑफ दिस कनेक्टिव व्हाट वी डू हियर, हम इसे कंपाउंड के फॉर्म में लिख के दिखाएंगे, किसके लिए, सिंबॉलिक फॉर्म में के लिए, ठीक है, सो वी फर्स्ट टेक हियर टू स्टेटमेंट यहाँ पे, पहले मैं क्या बोल देता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट स्टेटमेंट इज व्हाट, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, देन सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल देंगे, चेन्नई इज इन तमिलनाडु, सो आई विल से हियर लेट पी, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, Nagpur is in Maharashtra, Q Chennai is in Tamil Nadu, ठीक है, we know that स्टेटमेंट को कभी भी स्मॉल लेटर से दिखाना है यहाँ पे, नॉर्मली यहाँ पे हम पी क्यू आर यूज करते हैं, सो पी नागपुर इज इन महाराष्ट्र, क्यू चेन्नई इज इन तमिलनाडु, अब इन दोनों के बीच में कौन सा कनेक्टिव आ रहा है बेटा यहाँ पे, एंड आ रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, कंजंक्शन के लिए बोलते हैं, तो कंजंक्शन का हमें मालूम है क्या होता है, सिम्बॉलिक फॉर्म ईयर, यहाँ पे हम बोल देंगे देयरफॉर सिम्बॉलिक फॉर्म सिंबॉलिक फॉर्म ईयर, हमारे पास एक पी स्टेटमेंट है, दूसरा क्यू है, इन दोनों के बीच में कौन सा कनेक्टिव है बेटा, एंड कनेक्टिव है, सो दिस इज व्हाट अवर सिंबॉलिक फॉर्म, ओके। नाउ नेक्स्ट सेकंड, ट्रायंगल इज इक्विलेटरल और आइसोसेलस,
अब ट्रायंगल क्या है, इक्विलेटरल है या तो फिर वो आइसोसेलस है, तो यहाँ पे कनेक्टिव क्या हो गया बेटा आपका, पावर हो जाएगा, बराबर है। सो अगेन सी हियर व्हाट, लेट पी, पी क्या बोलेंगे हम, ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, व्हाट इज क्यू हियर, ट्रायंगल इज इन व्हाट, isosceles. So therefore, symbolic form. अब इसे symbolic form में लिख के दिखाना है, इन दो statement के बीच में कौन सा connective है, और जिसे हम क्या बोलते हैं, disjunction. अब disjunction का symbol form क्या होता है बेटा, यहाँ पे ये P हो गया, ये Q हो गया, इन दोनों के बीच में कौन सा symbolic form आ रहा है यहाँ पे, और के लिए. So this is what, और का symbolic form, ये हो जाएगा हमारा symbolic form P और Q for this given स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए. नाउ थर्ड, द एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज अ मेजर 90 डिग्री. ठीक है, अब यहां पे देखिए हमारे पास क्या कनेक्टिव मिल रहा है, यहां पे देखिए इफ एंड ओनली इफ, ये हमारे पास कौन सा कंडीशनल हो गया बच्चा, बाय कंडीशनल फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, इफ एंड ओनली इफ आया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बाय कंडीशनल जाएगा यहाँ पे. सो अगेन मुझे यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे दिखाना है इसको. सो आई विल से हियर लेट पी, P क्या बोल देंगे, द एंगल इज राइट एंगल, द एंगल इज राइट एंगल, व्हाट इज Q, इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री. ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या कनेक्टिव आ रहा है बेटा, ये इफ एंड ओनली इफ आ रहा है यहाँ पे, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है बच्चा, दोनों साइड से इम्प्लाइज होना चाहिए. सो देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म, व्हाट इज सिंबॉलिक फॉर्म हियर, पी इज अ स्टेटमेंट, क्यू इज अ स्टेटमेंट, दोनों के बीच में क्या आ रहा है बच्चा, इफ एंड ओनली इफ, तो उसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, दोनों साइड से एरो, ये हमारा सिंबॉलिक फॉर्म हो गया. सो दिस इज व्हाट, पी इफ एंड ओनली इफ, क्यू ये हमारा सिंबॉलिक फॉर्म. फोर्थ, एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑप्टियूस, यहाँ पे देखिए नेगेशन का फॉर्म हो रहा है बेटा. नाइदर एक्यूट नॉर ऑप्टियूस का मतलब क्या हो गया, वो एक्यूट भी नहीं है और साथ साथ में क्या है, वो ऑप्टियूस भी नहीं है यहाँ पे, दोनों के साथ में यहाँ पे नेगेशन आ रहा है. बट यहाँ पे जो हम स्टेटमेंट कंसिडर करेंगे बेटा, उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे, पॉजिटिव फॉर्म में करेंगे यहाँ पे. सो लेट P इज इक्वल टू व्हाट, एंगल इज एक्यूट, एंगल इज acute, and Q is what here, angle is obtuse. ठीक है, so therefore symbolic form. Okay, अब neither और nor में क्या होता बेटा, नहीं, दोनों नहीं होगा. ठीक है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो यहां पे बीच में दोनों के, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, मतलब दोनों के बीच में क्या आता बेटा, एंड आता है. आइदर और में दोनों नहीं होते, या तो ये भी नहीं या तो वो भी नहीं, तो वहां पे हम क्या बोलते हैं, और का केस बोलते हैं. सो रिमेम्बर इट हियर, आइदर और में हम और का केस यूज करते हैं, नाइदर एंड नॉर में, नाइदर नॉर में हम यहाँ पे एंड का केस यूज करते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा बेटा, यहाँ पे बीच में हमारे पास एंड आएगा, किसके बीच में, देखिए यहाँ पे नाइदर एक्यूट नॉर ऑप्टिक्स, बट हमने जो पी बोला हुआ है उसको क्या बोला, एक्यूट बोला हुआ है, और ये क्या बोलता है, नाइदर मतलब एक्यूट भी नहीं, तो इसके साथ में निगेशन होना चाहिए. ठीक है, ये क्या हो जाएगा फिर हमारे पास यहाँ पे, निगेशन ऑफ पी, और ये क्या है, नाइदर नॉर ऑप्टिक्स, तो इसके पास क्या जाएगा हमारे पास, निगेशन क्यू हो जाएगा. ठीक है, और दोनों के बीच में क्या आएगा बच्चा, यहाँ पे देखिए एंड का केस आएगा, क्या आएगा, एंड का केस, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो क्या है, एक्यूट भी नहीं है और वो ऑप्टिक्स भी नहीं है. सो नाइदर पी नॉर क्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हियर, इफ ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल्स एट बी, देन मेजर एंगल ऑफ ए प्लस मेजर एंगल ऑफ सी इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री. अब यहां पे देखिए, इफ ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, देन मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ पे इफ और देन का केस आया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, कंडीशनल फॉर्म. ठीक है, तो कंडीशनल फॉर्म मतलब क्या होगा, इफ देन का इम्प्लाइज फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे. तो आई विल से हियर लेट पी, पी क्या बोलेंगे यहाँ पे हम, ट्रायंगल एबीसी इज ए राइट एंगल्स एट बी, नोट इज क्यू, मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल सी
is equal to 90 degree. So therefore, symbolic form. What is symbolic form here? P implies Q. If then के केस में क्या होगा बेटा? Implies आएगा यहाँ पे. If P मतलब क्या होगा? Triangle ABC is right angle at B. Then major angle A plus major angle C is equal to 90 degree. ठीक है. Now next, sixth year. Hima Das wins gold medal if and only if she runs fast. अभी देखिए यहाँ पे क्या आ गया? If and only if आ गया यहाँ पे. So let P Hima Das wins gold medal. ठीक है. What is Q? She runs fast. So therefore, symbolic form is what? P and Q के बीच में क्या आएगा बेटा? Double implies. Why double implies here? Because there is given if and only if. Next, seven. X is not a irrational number, but it is a square of an integer. ठीक है. X is not a irrational number, but अब बट कहाँ पर था बेटा? Conjunction के लिए होता है. तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना है? And का case यूज करना है. Is a square of an integer. तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट हमारे पास हो जाते हैं. यहाँ पे हम P को क्या बोल देंगे यहाँ पे? अब यहाँ पे देखिए, इसके पास जो हमारे पास ये निगेशन फॉर्म में दिया हुआ है, तो जैसा कि हमें मालूम है कि हम स्टेटमेंट को कभी भी पॉजिटिव फॉर्म में यहाँ पे कंसिडर करेंगे, बट वेन एवर वी आर राइटिंग इन अ सिम्बॉलिक फॉर्म, तो वहां पे मैं उसका निगेशन साइन यूज कर लूंगा. तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव फॉर्म में दिखाने के लिए क्या बोलूंगा यहाँ पे? एक्स इज इरेशनल नंबर. व्हाट इज क्यू? इट इज अ square of an integer. Square of an integer. ठीक है. So therefore, symbolic form. अब हमने बोला है x is irrational number, but हमने क्या बोला यहां पे? x is not irrational number. तो x का negation क्या जाएगा? Negation of p. इसका negation क्या होगा? Negation of p. और फिर बैट है, इसके लिए एंड केस यूज करना है. उसके बाद हमारे पास क्या जाएगा बच्चों? ये क्यू आ जाएगा. ठीक है. सो दिस इज व्हाट निगेशन ऑफ पी एंड क्यू मींस व्हाट? हमने पी को क्या बोला हुआ है? रेशनल नंबर, बट हमें दिखाना क्या है? नॉट. तो हमने इसको नॉट पी बोल दिया. नॉट पी का मतलब नॉट अ रेशनल नंबर एंड क्यू. क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है. हमें यहाँ पे कंपाउंड स्टेटमेंट दिया हुआ है, उस कंपाउंड स्टेटमेंट का क्या करना है यहाँ पे? ट्रूथ वैल्यू लिख के दिखाना है यहाँ पे, विद द हेल्प ऑफ व्हाट? कंजंक्शन, डिसजंक्शन, निगेशन, इंप्लीकेशन एंड डबल इंप्लीकेशन. ठीक है. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस हाउ टू फाइंड ट्रूथ वैल्यू फॉर गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट. सो स्टार्ट विद फर्स्ट वन ईयर. फोर इज ऑड और वन इज अ प्राइम. तो पहले हम क्या करेंगे? इसको सिम्बॉलिक फॉर्म में लिख के दिखाएंगे एंड देन वी विल फाइंड द ट्रूथ वैल्यू फॉर द गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट. यहाँ पे और दिया हमारे पास. देखिए बच्चों, और भी यहाँ पे दिया हुआ है. तो हमारे पास एक स्टेटमेंट ये हो जाएगा, फोर इज अ ऑड, नोटिस अगेन वन इज अ प्राइम. सो लेट हियर पी. व्हाट इज पी? फोर इज ऑड. जैसा कि हमें मालूम है फोर इज व्हाट? इवेंट नंबर. बट यहाँ पे क्या बोलता है? फोर इज ऑड. इसके हिसाब से क्या जाएगा बच्चों अपना? ये फॉल्स हो जाएगा. बराबर है, ये तो फॉल्स हो गया. अब यहाँ पे हम क्यू बोल देते हैं. व्हाट इज क्यू? वन इज अ प्राइम. वन is prime and we know that what? One is what? Neither prime nor composite. तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा बच्चा? False हो जाएगा. ठीक है, False हो गया यहाँ पे. अब हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं? हमें क्या find करना? Truth value find करना है. So therefore, truth value के लिए क्या करोगे? अब यहाँ पे देखिए, Four is odd और one is a prime. तो पहले इसको हम symbolic form में लिख लेंगे. What is symbolic form here? P और Q. इन दोनों का ये P है, ये Q है. व्हाट इज देयर कनेक्टिव? और है, तो और के लिए हमारे पास ये केस हो जाएगा. ठीक है, P और Q. अब हमें यहाँ पे क्या करना है? उनका ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास P क्या दिख रहा है यहाँ पे? फॉल्स दिख रहा है. आई विल से हियर फॉल्स. देन और का केस आएगा. उसके बाद Q. Q भी क्या बोला है आपको? फॉल्स ही मिला हुआ है. यहाँ पे हम फॉल्स बोल देंगे. ठीक है. अब ये होने के बाद, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है,
इसके लिए हो गया बच्चा यहाँ पे दिस वॉज डिस जंक्शन के लिए। अब डिस जंक्शन मैंने क्या देखा हुआ था कि अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होते हैं तो उसका रिजल्ट फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज ट्रू होता है। तो यहाँ पे देखिए ये डिस जंक्शन है और का कैसे, ये और किसके बीच में है, दो स्टेटमेंट के बीच में, और वो दोनों क्या है फॉल्स ही है। तो दो फॉल्स के बीच में अगर और के लिए डिस जंक्शन के लिए अगर दो फॉल्स क्या होते हैं यहाँ पे फॉल्स होते हैं तो इसका वैल्यू भी क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे, ये फॉल्स मिल जाएगा। ठीक है, सो डिस जंक्शन के लिए अगर दोनों फॉल्स है तो विल बी व्हाट फॉल्स। नेक्स्ट ईयर सेकेंड के लिए भी देखिए यहाँ पे 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड 46 इज अ प्राइम नंबर। यहाँ पे कौन कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए एंड कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सो स्टार्ट विथ ईयर, लेट पी 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड वी नो दैट व्हाट 64 इज परफेक्ट स्क्वायर, तो उसके हिसाब से क्या होगा बच्चों, ये ट्रू रहेगा। व्हाट इज क्यू, 46 इज अ प्राइम नंबर, 46 इज अ प्राइम नंबर, 46 इज अ प्राइम नंबर, ये हमें मालूम है कि 46 प्राइम नंबर नहीं होता है, यहाँ पे क्या है फॉल्स दिया हुआ है। ठीक है, सो देयरफॉर अब हमें क्या करना है यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो हाउ टू फाइंड ट्रूथ वैल्यू, यार देखिए पहली बात तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा बच्चा, ये हमारे पास पी है, कौन कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे एंड कर रहा है, तो यहाँ पे ये पी एंड ये क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब इसका ट्रूथ वैल्यू क्या से फाइंड करेंगे यहाँ पे, जो स्टेटमेंट हमारे पास दिया हुआ है ये क्या अपने पास ट्रू है, ये क्या है फॉल्स है। ठीक है, अब ये एंड का केस हो गया, कंजंक्शन का केस हो गया, और हमें मालूम है कंजंक्शन में क्या होता है, अगर दोनों ट्रू होते हैं तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स होते हैं। यहाँ पे दोनों ट्रू तो है नहीं, एक ट्रू एक फॉल्स है, तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा बच्चों यहाँ पे अपने को, ये फॉल्स ही मिलने वाला है। सो व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू फॉर दिस कंपाउंड स्टेटमेंट, इज अ फॉल्स। नाउ थर्ड, थर्ड में क्या बोलता है, 5 इज अ प्राइम नंबर एंड 7 डिवाइड्स 94। अगेन व्हाट इज कनेक्टिव, हियर एंड इज अ कनेक्टिव, तो यहां पे क्या बोल देते हैं, लेट पी 5 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, व्हाट इज क्यू, 7 डिवाइड्स 94, 5 इज अ प्राइम नंबर, ये तो हमें मालूम है ट्रू होता है बेटा, जिसे हमने क्या बोल दिया ट्रू बोल दिया हुआ है। 7 डिवाइड्स 94, 7 डिवाइड 94 का मतलब हो गया बच्चा कि इन 7 का मल्टीपल है क्या ये, अगर 7 का मल्टीपल होगा तो उसको डिवाइड करता है, 7 का मल्टीपल नहीं होगा तो इसको डिवाइड नहीं करेगा, तो 7 का मल्टीपल नहीं दिखाई दे रहा है तो ये क्या जाएगा बच्चा अपना, ये फॉल्स हो जाएगा। सो देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू, अब हम यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड, यार देखिए इन दोनों को कौन कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे बेटा, एंड कर रहा है, तो यहाँ पे पहले हम उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं पी एंड क्यू। अब इसके हिसाब से हम यहाँ पे इसकी ट्रूथ वैल्यू पुट कर देते हैं, पी का ट्रूथ वैल्यू क्या था टी, देन एंड इसके बाद एफ। ठीक है, नाउ दिस इज व्हाट एंड का केस है, कंजंक्शन है, एंड वी नो दैट कंजंक्शन के लिए अगर दोनों ट्रू होते हैं तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, तो यहाँ पे दोनों ट्रू तो नहीं है, इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा बच्चों में, ये फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ, इट इज नॉट ट्रू दैट 5-3i इज अ रियल नंबर। ठीक है, अब यहां देखिए हमें मालूम है 5-3i इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब नॉट अ रियल नंबर, और यहाँ पे वो खुद बता भी रहा है क्या कि वो रियल नंबर नहीं है, मतलब उसके हिसाब से क्या हो गया, वो खुद बोल रहा है कि रियल नंबर नहीं, मतलब वो ट्रू हो गया, बराबर है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या मिल जाएगा बच्चों अपने को, यहाँ पे ट्रू मिल जाएगा, बराबर है। बट अगेन देखिए जो ये स्टेटमेंट दिया हुआ वो किससे किसमें दिया हुआ, निगेशन में दिया हुआ है, तो जैसा कि हमें मालूम है इसको हम पहले क्या बोलेंगे पॉजिटिव फॉर्म में बोल देते हैं यहाँ पे, सो लेट पी, पी क्या बोल देंगे हम 5-3i इज अ रियल नंबर। ठीक है, बट इसके हिसाब से क्या मिल जाएगा मुझे, निगेशन ऑफ पी मिल जाएगा। सो व्हाट निगेशन ऑफ पी, 5-3i is not a real number. So therefore, what is truth value? Truth value is what here? Direct बोल सकते हैं यहाँ पे, because single statement है यहाँ पे, तो truth value is what here? T हो जाएगा आपका। ठीक है? Now, fifth year, if 3 × 5 = 8, then 3 + 5 = 15. If then का केस है यहाँ पे, so let पी, पी क्या बोल देंगे हम 3 × 5 = 8, जैसा कि हमें मालूम है 3 × 5 क्या होता है 15 होता है, बट यहाँ पे 8 दिखाया हुआ है तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा बच्चों, ये फॉल्स हो जाएगा। और क्यू, व्हाट इज क्यू, यार 3 +
फाइव इज इक्वल टू वॉट 15, ठीक है। अगेन वॉट 3 प्लस 5 क्या होता है 8 होता है, बट यहाँ 15 बोला हुआ है तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, ये फॉल्स हो जाएगा, बराबर है। अब इसको हम सिम्बॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं यहाँ पे, सो देयरफॉर इसका ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करना है। ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले इसको मैं सिम्बॉलिक फॉर्म में ले लेता हूँ, थोड़ी सिम्बॉलिक फॉर्म यार, पी इम्प्लाइज क्यू, फिर इसके हिसाब से इसका ट्रूथ वैल्यू एफ इम्प्लाइज एफ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इम्प्लीकेशन का फॉर्म दिया हुआ है, बराबर है क्या, इम्प्लीकेशन का फॉर्म दिया है। एज वी नो दैट कि इम्प्लीकेशन के फॉर्म में हमारा पहला ट्रू होता है, दूसरा फॉल्स होता है, तो रिजल्ट क्या मिलता है, फॉल्स मिलता है, अदरवाइज ट्रू। तो यहाँ पहला ट्रू तो है ही नहीं, तो सीधी सी बात है यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, डायरेक्ट टी बोल देंगे यहाँ पे। इम्प्लीकेशन केस में क्या होता है, फर्स्ट ट्रू होना चाहिए, सेकंड फॉल्स होना चाहिए, तो हमें क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। बट यहाँ पे कैसा है, फर्स्ट ट्रू तो नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पे हम डायरेक्ट ट्रू बोल दे रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ईयर, मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज ब्लू। अब यहाँ पे देखिए इफ एंड ओनली इफ आ गया यहाँ पे, सो पी इज व्हाट ईयर, मिल्क इज व्हाइट, ठीक है, व्हाट इज क्यू ईयर, स्काई इज ब्लू, ठीक है। अब मिल्क इज व्हाइट ये ट्रू होगा, स्काई इज ब्लू ये भी ट्रू होगा, तो इन दोनों का सिंबॉलिक फॉर्म क्या जाएगा बच्चों यहाँ पे, सो ट्रूथ वैल्यू के लिए हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, ट्रूथ वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, पी डबल इम्प्लाइज क्यू, पी का ट्रूथ वैल्यू टी, क्यू का ट्रूथ वैल्यू भी टी है, तो टी डबल इम्प्लाइज टी, ठीक है। अब यहाँ पे बाय कंडीशनल है, बाय कंडीशनल हमें क्या होता है बच्चा यहाँ पे देखिए, अगर बाय कंडीशनल का केस होता है वहां पे हमें मालूम है अगर दोनों सेम होते हैं तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, अगर दोनों सेम है या तो टी टी भी रहेगा तो भी ट्रू, फॉल्स फॉल्स रहेगा तो भी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा वहां पे, ठीक है। दोनों सेम होते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है बच्चों, टी होता है, ट्रू होता है, ठीक है। तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या जाएगा बच्चों यहाँ पे, टी हो जाएगा। नाउ 24 इज अ कंपोजिट नंबर और 17 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे और आया हुआ है, सो पी हम क्या बोल देंगे, 24 इज अ कंपोजिट नंबर, क्यू इज व्हाट, 17 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। अब 24 इज अ कंपोजिट नंबर ये तो ट्रू है, 17 इज क्या है, प्राइम नंबर है, ये भी क्या हो गया हमारा, ट्रू है, ठीक है। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या बचा यहाँ पे, कनेक्टिव क्या और है, सो देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू के लिए पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं यहाँ पे। सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, पी और क्यू आएगा, क्योंकि और है यहाँ पे, अब पी और क्यू है तो यहाँ पे क्या आएगा, टी और टी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए और का केस दिया हुआ है, और का केस मतलब बताओ बच्चों, डिसजंक्शन होता है। डिसजंक्शन में क्या होता है, अगर दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों फॉल्स तो है नहीं, तो इसका रिजल्ट क्या मिल जाएगा बच्चों, ये टी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द स्टेटमेंट पी क्यू आर ट्रू स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट आर एस आर फॉल्स स्टेटमेंट, देन डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो हमारे पास क्वेश्चन दिया है उसका हमें ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करना है, और उसके लिए हमारे पास क्या दिया हुआ है कि दो स्टेटमेंट पी और जहां पे भी क्यू होंगे वो क्या होंगे, ट्रू होंगे, और जहां पे भी आर एंड एस होगा वो क्या होगा, वो फॉल्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख के दिखा हुआ है कि पी क्यू क्या अपने पास ट्रू है एंड आर और एस क्या दिखा रहा है, अपने को फॉल्स दिखा रहा है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस हमें क्या फाइंड करना है, इसका ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करना है, बराबर है। तो चलिए अब इसके ट्रूथ वैल्यू के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ है कंपाउंड स्टेटमेंट, तो अब यहाँ पे बोल देते हैं ट्रूथ वैल्यू, हाउ टू फाइंड ट्रूथ वैल्यू, यार देखिए आप पी पी क्या अपने पास, पी इज अ टी, टी दे दिया हुआ है, उसके बाद हमारे पास और का केस है, और होने के बाद अब ब्रैकेट में क्यू, क्यू क्या अपने पास, वो भी टी है, ठीक है। फिर यहाँ पे एंड दिया हुआ है, और आर, आर क्या है अपने पास, यहाँ पे एफ दिया हुआ है, बराबर है। अब ये होने के बाद पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में क्या बोलता है, टी एंड एफ। अब देखिए यहाँ पे एंड दिया हुआ है, एंड का मतलब कंजंक्शन, कंजंक्शन में क्या होता है बेटा, अगर दोनों ट्रू होते हैं तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, यहाँ पे दोनों ट्रू तो है नहीं, ये क्या जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, टी और, ये तो ऐसी कॉपी होगा, ये ब्रैकेट मुझे क्या मिल जाएगा, एफ मिल जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या है, और है, डिसजंक्शन है, तो डिसजंक्शन के केस में क्या होता है, अगर दोनों फॉल्स होते हैं तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, तो यहाँ पे दोनों फॉल्स तो नहीं है तो क्या होगा, ये ट्रू हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या मिल जाएगा बच्चों, अपने को टी मिल जाएगा, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे टी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। नाउ सेकेंड, पी इम्प्लाइज क्यू और
आर इम्प्लाइज एस, बराबर। तो ट्रूथ वैल्यू इज इक्वल पी, पी इम्प्लाइज क्यू, पी और क्यू दोनों के अपने पास टी दिया हुआ है, तो यहां पे हम क्या बोल देंगे, टी इम्प्लाइज टी, पी का वैल्यू टी, क्यू का वैल्यू भी टी, सो टी इम्प्लाइज टी बीच में, और आर इम्प्लाइज एस, अब आर एस दोनों फॉल्स दिया हुआ है, तो आर इम्प्लाइज एस, एफ इम्प्लाइज एफ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए देयर इज अ इम्प्लीकेशन साइन, क्या यहाँ पे इम्प्लीकेशन साइन है, यहाँ पे भी इम्प्लीकेशन है, और हमें मालूम है इम्प्लीकेशन में क्या होता है, अगर पहला टी पहला टी और दूसरा फॉल्स होगा तो ही वो क्या होगा, फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू हो जाएगा। तो इसमें देखिए पहला टी तो है बट दूसरा फॉल्स है क्या, नहीं है, ये क्या जाएगा हमारा टी हो जाएगा, उसके बाद ये और आएगा, फिर एफ इम्प्लाइज एफ, अगेन इम्प्लीकेशन यहाँ पे आए, तो इम्प्लीकेशन में क्या बोलता है, पहला ट्रू होना चाहिए दूसरा फॉल्स होना चाहिए, दूसरा फॉल्स तो है बट यहाँ पे पहला ट्रू नहीं है, यहाँ पे वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, उसके लिए भी हम क्या बोल देंगे यहाँ पे टी बोल देंगे, ठीक है। अब ये मिलने के बाद दोनों, अभी देखिए टी और टी, ये और हो गया मतलब डिसजंक्शन, एंड वी नो दैट व्हाट इज डिसजंक्शन, अगर दोनों ट्रू होंगे सॉरी दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स अदरवाइज ट्रू, दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स अदरवाइज ट्रू, बट यहाँ पे दोनों फॉल्स नहीं है तो यहाँ पे क्या जाएगा अदरवाइज, अदरवाइज बोले तो यहाँ पे टी आ जाएगा, ठीक है। इसका ट्रूथ वैल्यू क्या जाएगा यहाँ पे टी, बराबर। नाउ थर्ड, क्यू एंड आर और निगेशन ऑफ पी एंड एस, सो ट्रूथ वैल्यू के लिए क्यू, क्यू हमारे पास क्या है टी है, एंड आर क्या है अपने पास एफ है, बराबर। उसके बाद और देन ब्रैकेट निगेशन पी, पी क्या अपने पास टी है, तो निगेशन ऑफ पी मतलब निगेशन ऑफ टी, देन एंड एस, एस इज व्हाट योर फॉल्स, सो विच इज इक्वल टू, यहां पे देखिए टी एंड एफ और ये ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं यहाँ पे निगेशन ऑफ टी, निगेशन ऑफ टी का मतलब होता है टी का उल्टा, तो टी का उल्टा जाएगा ट्रू का फॉल्स हो जाएगा, तो ये एफ एंड ये एफ हो जाएगा, ठीक है। अब ये इन दोनों के बीच में एंड है, एंड वी नो दैट एंड के केस में कंजंक्शन के केस में क्या होता है, अगर दोनों ट्रू होते हैं तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स, यहां से हमें फॉल्स मिल जाएगा, फिर ये और आ जाएगा, सेम यहाँ पे भी एंड का केस आया हुआ है, अगर दोनों ट्रू होते तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स, यहाँ पे भी फॉल्स हो जाएगा, बराबर है। अब इन दोनों के बीच में क्या है, और है, और के केस में क्या होता है, अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स अदरवाइज ट्रू, यहाँ पे और के केस में दोनों फॉल्स दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे इसका ट्रूथ वैल्यू क्या मिल जाएगा बच्चों, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये होने के बाद नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, अब फोर में देखिए यहाँ पे क्या करना अपने को, p implies q and negation of r, p implies q and negation of r, so truth value is equal to p implies q, p भी true है q भी true है, so t implies t and negation of r, r क्या अपने पास false है, यहाँ पे f हो जाएगा, बराबर। now T implies T क्या होगा बच्चा, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, क्यों, बिकॉज मैं मालूम है पहला ट्रू होना चाहिए दूसरा फॉल्स, तो ही फॉल्स होगा अदरवाइज ट्रू हो जाएगा, एंड निगेशन ऑफ एफ बोले तो टी, क्योंकि निगेशन ऑफ फॉल्स, फॉल्स का उल्टा क्या होगा ट्रू होगा, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में क्या है, एंड कंजंक्शन है, एंड वी नो दैट अगर कंजंक्शन के भी दोनों अगर ट्रू होते हैं कंजंक्शन के लिए तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा ट्रू, इसका भी क्या जाएगा ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट ईयर, फिफ्थ वन ईयर, ठीक है। अब फिफ्थ के लिए क्या करना है, देखिए निगेशन ऑफ आर डबल इम्प्लाइज पी इम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू, तो ट्रूथ वैल्यू इज व्हाट हियर, निगेशन ऑफ आर, आर का मतलब यहां पे फॉल्स हो गया, देन डबल इम्प्लाइज पी, पी के अपने पास ट्रू है ब्रैकेट क्लोज, देन इम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू है, क्यू के अपने पास टी दिया हुआ है, ठीक है। अब ये होने के बाद हम क्या बोलेंगे, निगेशन ऑफ एफ क्या होता है बच्चा, टी होता है, सो टी डबल इम्प्लाइज टी, देन इम्प्लाइज निगेशन ऑफ टी बोले तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब टी डबल इम्प्लाइज टी, हमें मालूम है कि डबल इम्प्लीकेशन में क्या होता है, अगर दोनों सेम होते हैं तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स, यहाँ पे दोनों सेम है तो ये टी हो जाएगा, इम्प्लाइज ये एफ हो जाएगा। अब इम्प्लीकेशन का साइन है यहाँ पे, तो इम्प्लीकेशन के साइन में हमें क्या मालूम है, ठीक है, हमें ये मालूम है कि अगर पहला ट्रू होता है दूसरा फॉल्स होता है तो वैल्यू क्या मिलती है, हमें फॉल्स मिलती है, अदरवाइज ट्रू मिलता है यहाँ पे, तो ये हमें ओवरऑल क्या मिल जाएगा बच्चों, ये फॉल्स मिल जाएगा, बराबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए, अभी देखिए यहाँ पे सिक्स में हमें क्या फाइंड करना है, ट्रूथ वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पे, सो देयरफॉर
ट्रूथ वैल्यू इक्वल, वन बाय वन यहां पे ध्यान देना पे, ये क्या बोलते हैं ब्रैकेट में निगेशन ऑफ पी, पी इज अ ट्रू एंड ब्रैकेट निगेशन ऑफ क्यू, क्यू इज व्हाट अगेन ट्रू एंड आर, आर इज अ फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज, फिर और आ जाएगा, फिर यहां पे ब्रैकेट है क्यू इज अ ट्रू एंड फॉल्स और ट्रू एंड फॉल्स, बराबर इक्वल निगेशन ऑफ टी बोले तो एफ, फिर ये एंड आएगा, फिर इस ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, ये निगेशन ऑफ टी बोले तो एफ एंड एफ ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट, ये है टी एंड एफ और टी एंड एफ ब्रैकेट क्लोज। अब ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं यहां पे हम, एफ एंड के बाद ये क्या है एफ एंड एफ, एफ एंड एफ मतलब यहां पे क्या कंजंक्शन, कंजंक्शन में क्या होता है अगर दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स, यहां पे दोनों ट्रू तो है नहीं, ये क्या मिल जाएगा अपने को ये फॉल्स मिल जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, यहां पे और आएगा। अब इसमें देखिए टी एंड एफ, टी एंड एफ एंड के केस में क्या होता है अगेन दोनों ट्रू है तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स, तो यहां पे क्या आएगा ये फॉल्स आएगा, फिर ये और आएगा और यहां पे भी मुझे क्या मिल जाएगा ये फॉल्स मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए एफ एंड एफ, एफ एंड एफ मतलब अगेन कंजंक्शन, तो ये भी क्या मिल जाएगा मुझे फॉल्स, क्यों, क्योंकि दोनों ट्रू होंगे तो ही ट्रू अदरवाइज फॉल्स, ये फॉल्स हो जाएगा। और एफ और एफ और का मतलब होता है डिसजंक्शन, डिसजंक्शन में क्या होगा अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स अदरवाइज ट्रू, यहाँ पे दोनों फॉल्स है ये मुझे फॉल्स मिल जाएगा। अब यहां से देखिए मुझे वापस क्या मिल रहा है यहाँ पे एफ और एफ, एफ और एफ का मतलब हो गया डिसजंक्शन, डिसजंक्शन में क्या होता है दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स अदरवाइज ट्रू, ऑलरेडी यहाँ पे दोनों फॉल्स दिखाई दे रहा है तो मुझे ये ओवरऑल क्या मिल जाएगा ये फॉल्स मिल जाएगा। सेवेंथ फाइंड ट्रूथ वैल्यू हियर, सो ट्रूथ वैल्यू इक्वल नेक्स्ट ईयर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर देखिए ब्रैकेट में क्या मेरे पास निगेशन ऑफ पी, पी इज व्हाट ट्रू है एंड क्यू, क्यू भी क्या है ट्रू है एंड निगेशन ऑफ आर, सो निगेशन ऑफ आर इज अ फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और सेकेंड ब्रैकेट में यहां पे क्या क्यू इंप्लाइज पी, क्यू इज अ ट्रू इंप्लाइज ट्रू, देन अगेन इंप्लाइज निगेशन ऑफ एस, निगेशन ऑफ एस का मतलब निगेशन ऑफ फॉल्स, देन और आर, आर इज ऑल्सो व्हाट हियर फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज इक्वल ब्रैकेट, ठीक है निगेशन ऑफ टी इज व्हाट फॉल्स, सो फॉल्स एंड टी एंड निगेशन ऑफ फॉल्स इज अ टी, और अब यहां पे देखिए टी इंप्लाइज टी, व्हाट इज टी इंप्लाइज टी, टी इंप्लाइज टी इज अ टी, दिस बिकॉज दिस इज अ व्हाट कंडीशनल फॉर्म, कंडीशनल फॉर्म में क्या होता है पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा तो फॉल्स अदरवाइज ट्रू, यहां पे टी मिल जाएगा ये इंप्लाइज, यहां पे देखिए ब्रैकेट निगेशन ऑफ एफ क्या होता है टी, उसके बाद क्या जाएगा और ये एफ हो जाएगा, सो इक्वल। अब यहां पे एफ एंड टी, एंड का केस है दोनों ट्रू तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स, ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका दिस इज व्हाट, ये फॉल्स हो जाएगा बिकॉज दोनों ट्रू तो है नहीं, तो ये एफ एंड टी ये ब्रैकेट के ले जाएगा, और अब यहां पे क्या है इस ब्रैकेट में टी इंप्लाइज ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट क्या बोलता है टी और एफ, टी और एफ का मतलब हो गया और का मतलब दोनों फॉल्स तो फॉल्स अदरवाइज ट्रू, यहाँ पे क्या मिल जाएगा ये ट्रू मिल जाएगा, सो विच इज इक्वल टू एफ एंड टी, एंड का केस है ये फॉल्स हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे दोनों ट्रू होते तो ट्रू मिलता अदरवाइज फॉल्स, ये और आ गया टी इंप्लाइज टी इज अ टी, टी इंप्लाइज टी इज अ टी, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में और है, और में क्या होता है दोनों फॉल्स है तो फॉल्स अदरवाइज ट्रू, अदरवाइज क्या मिल जाएगा ये ट्रू मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट ट्रूथ वैल्यू, ठीक है सो स्टार्ट विथ योर व्हाट निगेशन ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट निगेशन ऑफ पी इज अ टी देन एंड आर इज अ फॉल्स ब्रैकेट क्लोज हियर और अगेन ओपन ब्रैकेट हियर एस इज अ फॉल्स इंप्लाइज निगेशन ऑफ क्यू व्हाट इज क्यू टी ये ब्रैकेट क्लोज हो गया देन डबल इंप्लाइज पी एंड आर पी इज अ ट्रू एंड आर इज अ फॉल्स इक्वल निगेशन ऑफ ब्रैकेट निगेशन ऑफ टी क्या होता है एफ होता है एफ एंड एफ और ये ब्रैकेट में एफ
इम्प्लाइज निगेशन ऑफ टी का मतलब होता है एफ होता है ब्रैकेट क्लोज, देन डबल इम्प्लाइज एफ एंड टी एंड एफ, टी एंड एफ एंड के केस में क्या होता है दोनों ट्रू दो ट्रू अदरवाइज फॉल्स, यहां पे मुझे क्या मिल जाएगा ये बच्चा फॉल्स मिलेगा बराबर, विच इज इक्वल टू निगेशन ऑफ दिस ब्रैकेट, अभी ब्रैकेट एफ एंड एफ बोल रहा है एफ एंड एफ, एंड में क्या होता है दोनों ट्रू होने चाहिए तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स, बट यहां पे दोनों फॉल्स है ये मुझे फॉल्स ही मिलेगा। और इसके बाद एफ इंप्लाइज एफ, एफ इंप्लाइज एफ भी क्या होता है बच्चों टी होता है ठीक है, डबल इंप्लाइज फिर यहां से ये मुझे एफ मिल जाएगा। इक्वल निगेशन ऑफ दिस ब्रैकेट, अभी ब्रैकेट क्या बोलता है एफ और टी, एफ और का मतलब दोनों फॉल्स होने चाहिए तो फॉल्स अदरवाइज ट्रू ये टी मिल जाएगा, डबल इंप्लाइज और ये एफ हो जाएगा। निगेशन ऑफ टी का मतलब होता है एफ एफ डबल इंप्लाइज एफ, अगेन दो के बीच में क्या है बाय कंडीशनल में क्या होता है अगर दोनों सेम होते हैं तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स, यहाँ पे दोनों सेम का मतलब या तो दोनों ट्रू होने चाहिए या तो दोनों फॉल्स होने चाहिए, दोनों सेम है तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा ये ट्रू मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग, अब यहाँ पे हमें क्या करना है जो भी स्टेटमेंट दिया रहेगा उसका निगेशन फॉर्म में लिख के दिखाना है, मतलब उल्टा फॉर्म उसका लिख के दिखाना है यहाँ पे ठीक है। तो फर्स्ट क्या बोलता है यहाँ पे तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश ठीक है, इसका निगेशन क्या जाएगा बच्चों नॉट इन आंध्र प्रदेश, सो निगेशन इज व्हाट हियर तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश ठीक है। सो निगेशन का मतलब क्या होगा जो भी स्टेटमेंट दिया जाएगा उसका उल्टा लिखना पे, अगर नॉट है तो निकाल दो नहीं है तो उसमें नॉट दे देना है। सेकेंड 3 इज नॉट अ रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, अब यहाँ पे देखिए ऑलरेडी नॉट दिया हुआ है तो नॉट का नॉट क्या हो जाएगा बच्चों वो तो प्लस फॉर्म में आ जाएगा तो यहां से मतलब नॉट को निकाल देते हैं यहाँ पे। सो 3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन विच इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 ठीक है, अब यहाँ पे नॉट था तो हमने नॉट को रिमूव कर दिया तो उसका निगेशन हो जाएगा। देन थर्ड ईयर रूट टू इज अ रैशनल नंबर, अब रूट टू इज अ रैशनल नंबर तो इसका निगेशन क्या होगा नॉट अ रैशनल नंबर, सो रूट टू इज नॉट अ रैशनल नंबर ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट ईयर फोर्थ, फोर्थ में क्या बोलते हैं पॉलीगॉन ए बी सी डी ई इज अ पेंटागॉन ठीक है, तो अगेन यहां पे बोलता है कि ये पॉलीगॉन क्या है पेंटागॉन है तो इसका निगेशन क्या होगा नॉट अ पेंटागॉन, सो से हियर पॉलीगॉन ए बी सी डी इज नॉट अ पेंटागॉन ठीक है। नाउ देन फिफ्थ ईयर 7 प्लस 3 इज वॉट ग्रेटर देन 5, अब 7 प्लस 3 इज ग्रेटर देन 5 बोल रहा है यहाँ पे तो इसका निगेशन क्या होगा नॉट ग्रेटर देन और इक्वल, तो यहाँ पे देखिए उसको दो तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पे, फर्स्ट क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि 7 प्लस 3 इज वॉट नॉट ग्रेटर देन 5 बराबर है, एक तो इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर दूसरा हम इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं कि 7 प्लस 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5 ठीक है। 7 प्लस 3 इज ग्रेटर देन 5 बोला है इसका निगेशन यहाँ पे पब्लिक साइन डाल दीजिए मीन्स वॉट नॉट ग्रेटर देन 5, या तो फिर यहाँ पे अगर वो ग्रेटर देन नहीं होगा तो क्या होगा या तो लेस देन होगा या तो फिर वो इक्वल होगा, तो इसका ये उल्टा हो जाएगा निगेशन फॉर्म ही हो जाएगा, दोनों में से कोई भी लिखो आप बोथ आर करेक्ट ईयर